5 लाख रुपए का खर्च है और ये हवन जो है ना ये 5 दिनों तक चलेगा गौरी बहू। ठीक है बुआ जी, लेकिन पहले अम्मा जी से बात कर लेते। नहीं मतलब उनके परमिशन के बिना मैं सब नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी बात करती हूँ। गौरी बहू, गौरी बहू सुनो सुनो सुनो, ये बात ना उन लोगों को मत बताना, वो लोग मानेंगे ही नहीं इस बात के लिए। भाभी तो हमेशा इसी फिराक में रहती हैं कि कब तुमसे छुटकारा पाने का उन्हें मौका मिले। लेकिन बुआ जी, अरे लेकिन वेकिन छोड़ो गौरी, और तुम ऐसा करो कि पैसों का इंतजाम करके मुझे दे दो। और हाँ, तुम्हें पूजा में भी आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने हाथ से एक सुपारी मुझे दे देना, मैं पूजा में ले जाकर वहां रख दूंगी और तुम्हारे नाम से पूजा हो जाएगा बस। ठीक है बुआ जी, लेकिन 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है ना, मुझे एक बार शुक्ल जी से बात करनी पड़ेगी। अरे गौरी बहू, उस गुस्सल मुन्ना को क्यों बता रही हो, वो सारा काम उलट पुलट कर देगा। देखो तुम ऐसा करो ना कि तुम पैसों का इंतजाम करके मुझे दे दो और मैं सारा काम निपटा दूंगी अच्छे से। हाँ लेकिन इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है बुआ जी। तो कोई बात नहीं, तुम अपने गहने दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। हाँ बस बुआ जी, कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना। शुक्ला जी ठीक ही कहते, आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, आप पर भरोसा करना ही गलत है। देखो हम जानते हैं अपने मुन्ना को, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमारा परिवार तुम्हारे खिलाफ होगा ना, उस दिन मुन्ना अपने परिवार का साथ देगा, तुम्हारे ऊपर भरोसा हरगिज नहीं करेगा। ऐसा है ना, तो ठीक है अभी उन्हें बुलाते हैं और उनके सामने सब बात क्लियर करते हैं। चलिए आई। बेड़ा गर्क हो गौरी तुम्हारा, हम तो आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तो मत कीजिए ना भलाई। नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे तुम्हारी भलाई। और हाँ वैसे भी तुम्हें आग से खेलने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो खेलो, भूख तो यहाँ बैठ के रो, हम तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, समझी। जाते हैं हम, बैठ के रोना। आप? हम ना, हम आए थे अम्मा से मिलने के लिए, तो सोचे कि गौरी पेट से है तो चलो उससे भी मिल लेते हैं, तो चले आए इसे मिलने के लिए। क्या है ना कि हमको बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा गौरी चलते हैं, तो चलते हैं हम। क्या हुआ? सॉरी शिव, तू म्हणत होतास ते अगदी बरोबर होतं शिव, बुआजी आणि फुफाजी पैशांसाठी वाटेल ते करू शकतात। फुफाजींचं तुझ्या पुढे काही चाललं नाही म्हणून बुआजींना पाठवलं, माझ्यावर दबाव टाकायला। क्या आहे, कितने का आहे? अरे सारी दुकान खरीद लूंगा समझे। अरे कौन है? अरे गोमती, गोमती, गोमती रानी आ गई, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे गोमती रानी इतनी देर कैसे हो गई, नोट का मेरे हाथ में बहुत देर से खुजली मचली है, जल्दी निकालना गिनने। अरे इधर उधर क्या देख रही, कुछ बताएगी क्या हुआ? अरे कुछ ठीक नहीं है पांडे जी, सब गुड़ गोबर हो गया। अरे उम्मीद तो तुझसे यही थी कि तू गुड़ गोबर करके ही आएगी, लेकिन जरा स्पष्ट बताएगी हुआ क्या? अरे पांडे जी होना क्या है, जिस गौरी को आप बेचारी लाचार अबला नारी समझते हैं ना, वो तो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई निकली और उसने सारी बाजी ही पलट दी। बाजी पलट दी? कैसे? का कही? उसने हमें धमकाया और कह रही थी कि सच्चाई सबके सामने चल के बात करो, जो होगा वो देख लेगी, पर हमें एक पैसे नहीं देगी वो, और कह रही थी कि शिव ने हमें उसे सारी सच्चाई बता दी है कि हम दोनों पैसे अटने की फिराक में हैं। शिम्बो, शिम्बो। अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या पांडे जी, हम वहां से सरपट भागने में ही अपनी भलाई समझे, सच्ची। अरे घूमती रानी भारी मात्रा में नुकसान हो गया काकी, हैं? हाँ, सच में बहुत नुकसान हो गया, भगवान।
अच्छा ये बता, तूने अपनी भाभी और माताजी पे भी कुछ जादू चलाया होगा ना, उनके माध्यम से कोई बात नहीं बनी? अरे बनता, तब तक गौरी वहाँ आ गई और गौरी सारा खेल बिगाड़ दी। तब तक वहाँ शिव आ गया और शिव को देखते ही हम वहाँ से सरपट भाग निकले। पांडित जी, तू जब सरपट भाग रही थी तो उनको शक नहीं हुआ तेरी अम्मा को और तेरी भाभी को कि तू अचानक क्यों जा रही है? कुछ पूछा नहीं उनसे? पूछा ना, तो हमने बहाना कर दिया कि हमें बहुत सारा काम है इसलिए हम भाग रहे हैं। सच कह रहे पांडे जी, हम वहाँ जरा सा भी रुकते ना तो शिव और गौरी हमारा काम तमाम कर देते और फिर अम्मा और भाभी के सामने कभी हम जिंदगी पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। इतने जूते पड़ते कि हम अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते, इसलिए हम वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझे। ये मुंबई की लड़की तो कुछ ज्यादा ही शातिर है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारी जौनपुर वाली भाभी श्री है ना, अभी वो प्रभु दयाल पांडे की मुट्ठी में है। हम उन्हीं के माध्यम से कोई ना कोई चक्कर चलाएंगे। का कहें? बस कर दे, शकी कम बघा रही है, पर घर चलिए। मनोज शुक्ल खानदान का शिव आ जाएगा ना तो इतना मारेगा आपको, इतना मारेगा कि कचूमर बन जाएगा। चलिए, अरे चलिए, मारेगा। पर गौरी जी, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? शिव घरात आधीच एवढा मोठा तमाशा झालाय, त्यात मला आणखी भर घालायची नव्हती। मतलब घर पे क्या हुआ? शिव, अरे दादीजींनी मला चौथा महिना लागलाय म्हणून नाही तर मी नॉनव्हेज खात असेल म्हणून पूजा करायला आणि मंदिरात जायला नाही सांगितलंय, आणि अम्माजींनी सुद्धा त्याच कारणामुळे मला किचन मध्ये येऊ दिलं नाही। ये क्या बवाल है गौरी जी? अच्छा हुआ जीजी बिना कुछ पता किए ही चली गई, वरना माता जी एक और नया बवाल कर देती। जौनपुर वाली, ये गोमती इतनी डींगे हाँकती हुई गौरी के कमरे में गई थी, लेकिन ये बात पता किए बिना वापस कैसे चली गई? क्या हुआ? माताजी वो, अब हम क्या बताएं माताजी? नहीं वैसे जीजी कह रही थी कि उनका फोन आया था और रिश्तेदारी में कोई जरूरी काम निकल आया इसलिए चली गई। लेकिन हमारा काम भी तो जरूरी था ना जौनपुर वाली। नहीं माताजी, समझने की कोशिश कीजिए ना, हो सकता है पता करने जैसी कोई बात ही ना हो, ये सब सच में हमारा कोई वहम हो। अरे लेकिन माता जी, अब छोड़िए ना, हमें क्या लगता है कि हो सकता है मुन्ना के आने से बात ना कर पाई हूं? गौरी किचन मध्ये गेली तर किचन ची शुद्धि करावी लागेल असं अम्माजी सरला भाभींना सांगत होते आणि मी स्वतः ऐकले ते। इनफ गौरी जी, देखिए हमें ऐसा नहीं लगता कि अम्मा और दादी जी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। म्हणूनच मी म्हणते आपण स्वतः जाऊन सगळं खरं सांगून टाक। नहीं नहीं गौरी जी, थोड़ी शांति रखिए ना, हमें सोचने तो दो। शिव जे काय करायचं ते लवकर कर ना, मला त्रास होतोय आता या सगळ्याचा सहन नाही होतंय। हाँ गौरी जी, हमें आपका त्रास दिख रहा है लेकिन। लेकिन काय, आपण ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहोत आणि तो कधीही फुटू शकतो। हे बघ, मला एवढंच म्हणायचं आहे की याने आपल्या आयुष्यात प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, जरा समजून घे ना शिव। मी नॉनव्हेज खात असेन या शंकेने दादीजी आणि अम्माजींची ही अवस्था आहे तर त्यांना खरं कळलं तर? म्हणजे मी नॉनव्हेज खात होते किंवा माझ्या घरी आजही नॉनव्हेज खातात तर काय होईल शिव? अरे आणि या सगळ्यामुळे त्यांनी मला तुझ्यापासून दूर केलं तर मी तर जिवंतपणे मरून जाईन। गौरी जी आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम है ना, हम समझाएंगे उन्हें, हम उनकी सोच भी बदल देंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो मानेंगे हमारी बात। आणि नाही ऐकलं तर अजून एक नवं भांड। नहीं गौरी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मला असं वाटतं आपण अजून वेळ घालवायला नको, त्यांच्या मनात जी शंका आहे ना त्याने आपल्या नात्यात प्रॉब्लेम होईल। गौरी जी उन्हें कोई शंका नहीं, हम आपसे कह रहे हैं ना, अम्मा को कोई शक नहीं आहे, शंका आहे म्हणूनच तर त्यांनी देवघर आणि किचन पासून दूर ठेवलं ना मला, तुला कळत नाहीये का? हम समझते हैं गौरी जी, इसीलिए आपसे कह रहे हैं, अगर हमें भी ऐसा लगेगा ना तो हम खुद जाके बात कर लेंगे उनसे, सब बता देंगे, अब तो रिलैक्स हो जाओ। शिव भैया, गौरी, शिव भैया, गौरी, आप दोनों चाय पी लीजिए। नहीं भार, अम्मा के साथ चाय पियेंगे हम।
नहीं नहीं भैया ऐसा मत कीजिए वरना अम्मा जी हम पर नाराज हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए हम हैंडल कर लेंगे ना। चलिए गौरी जी। माता जी ज्यादा सोच विचार मत कीजिए लीजिए चाय पीजिए। अम्मा क्या हुआ आपने हमारी चाय अंदर क्यों भिजवाई? हम तो रोज आप लोगों के साथ चाय पीते हैं ना। हाय अब हमें अम्मा जी से डांट पड़ने वाली है क्या करें? हाँ वो नहीं मुन्ना हमने सोचा कि तुम अंदर कमरे में हो इसलिए चाय भिजवा दी। चलो कोई बात नहीं बैठो गौरी बैठो। जी सला चाय दो। अच्छा सरला वो छत पे ना हमने कपड़े सूखने के लिए डाले थे देखो शायद बरसात आने वाली है कपड़े निकाल लो। जी अम्मा अम्मा वो बुआ जी क्यों आई थी? नहीं मतलब हमें देखते ही चली गई वो। नहीं हाँ मुन्ना वो मोहल्ले में किसी से मिलने आई थी तो माता जी का और हम लोग का भी हालचाल पूछने आ गई फिर उनका कोई रिश्तेदारी से जरूरी फोन आ गया तो चली गई। जौनपुर वाली जी मठरी देना। जी दादी जी मैं देती लीजिए माता जी। गौरी मतलब तुम ऐसे ना झटके से उठा बैठा मत करो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है थोड़ा एहतियात बरता करो। क्या हुआ गौरी जी अम्मा ने कुछ कहा भी आपसे? आपने रिएक्ट नहीं किया कुछ सोच रही हो? मुन्ना मुंबई के बारे में सोच रही है। गणपति जी आने वाले हैं ना तुम्हारे यहाँ तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होंगी गौरी। हाँ चाहिए किती झाले डबे? हे आजी एक तीन चार पाच सहा झाले। अजून किती भरायचे गो डबे? हे सहा आणि सात भरायचे आणि ते अगं नाही ते नाही भरायचे बरं का डब्यात वगैरे ते देसाईंचे आहेत ना त्यांनी त्यांचा तो पिढीजा डब्बा आहे ना मोठा तो दिलाय मी भरेन त्याच्यात आणि नेऊन देईन। आई तुम्ही नको मी जाईन। बस गुणाची गो माझी बायती गो पण रे पोचवताना जाशील ना तेव्हा खाऊ नको त्यातले मोदक मोजून ठेवले कळला? आजी गम्मत केली गो बाय छान छान मिळाले पण यावर्षी ऑर्डर्स ना कमी नाही आणि जास्ती नाही। हल्लीच्या पोरींचा आळशीपणा दुसरा काय नाही। अगो नैवेद्याचे 11 मोदक पण यांका बनवत नाहीये हा सवड नाही सवड नाही काय आवडत नाही अरे रे दिल्या की मोकळ्या होतात। आजी अहो नसते हल्लीच्या मुलींना हौस होय काय? अगो मग आपली गौरी हल्लीचीच आना इका किती हौसा सगळ्या करते घरातला ती अम्माने तिका अगदी मस्त तयार केल्या बाकी काय म्हणा बनारसच्या बायकांना सुगरणी नाही तर आपल्या इथल्या काय कुंदाताई अहो तुम्हाला माहिती आहे का इथे मुंबईमध्ये नाही तुमचं सगळं बनारसचं चाललंय मुंबईमध्ये मुली नोकरी आणि व्यवसाय करतात तिकडे बायका नोकरी नाही करत। हो ना त्यांचं म्हणजे काय नुसतं चूल आणि मूल आपलं तसं नाहीये। मग मी नोकरी करते ना काय मी शाळेत शिकवते त्यामुळे मी कधी करणार मोदक? त्यांची कामं म्हणजे काय उष्टी वाढा रांधा काढा बस मग काय तर तू का कसा गो माहिती तू गेलीस तिकडे
अगो पण ती माझी मैत्रीण आहे ना बनारसची करंजी 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 हा जीवची दादी करंजी देवी मला वाटतं मी चिरंजी देवी ऐकलं होतं असं मला स्मरत आहे हा अगो तास्ता काय ता ही सांगत होती हा तिला ना भयंकर काम पडायचे घरात आता काय गो हल्लीच्या बायकांना जगात काय चालतात ते कळतात पण घरात काय चाललं त्याचकडे लक्ष नसतं म्हणजे समजा एक एक विचारला की बा तुझा पोरग्या कितवी था काय तर ती काय एक मिनिट विचार करूप लागता ही अवस्था ऐका परब तुम्ही काहीही बोलायला लागलात आता बरं का मी असं केलंय का कधी काय काही बोलते काय तू बनारसला गेलीस तू काय परबची परबैया वगैरे झालीस की काय अगं तसं नाही गो शेवटी आपली मुंबई ती मुंबई हा पण एक सांगताय तुका बनारसला जेवण बाकी मस्त मिळतं हो का काय मी का माझा काही इशार चालला त्या उर्मिला थंयसर मुंबई कट्टा उघडल्या ना मुंबईच्या खाद्यपदार्थांचा तसा माका हयसर बनारसी कट्टा उघडूचा हो का मी रिटायर झाली की काढूया हा आपण बनारस कट्टा चालेल मग हे का बसवूया मोटरी तळू अग आई तळण्यावर ना आठवलं किती दिवसात आपण मासेने ना तळले अहो श्रावण आहे विसरू नका विसरले मी सॉरी बोललीस घेतलंच माशाचं नाव आणि माझ्या जिभेला पाणी सुटला त्याचा काय हा बनारसीला ना एकच कमी होता मासे मिळत नाही तिकडे हो माशाचं नाव काढलं ना तरी माणसं पळत सुटतात आता जावय बापून का बरं नाही म्हणून त्यांका बरं वाटलं ना ते आपण पण मासे आणूया आई गणपती आहेत गणपती विसरू नकोस अगो गणपती गेल्यावर मग आणू तुका नाही वाटत काय गोखावेचे मला नाही गौरीने मासे खायचं सोडलं ना तर मग माझं पण मन नाही होत आहे खरंच म्हणजे गणपती नंतर सुद्धा मी खाईन की नाही मलाच माहिती नाहीये जे माझी मुलगी खाणार नाहीये ते मी चवीने कसं खाणार अगो गौरीने आपल्या मनाने सोडल्यान शिवने नाही सांगितल्यान त्याका सोड म्हणून अगो तू कशात सोडतस पण तू सोडलंस की माका सोडावं लागेल म्हणजे माझी मुलगी जे खात नाही तर मी कशी खाऊ काही काय बोलतेस तू कशाला सोडतेस हाच प्रश्न स्वतः विचार आई प्लीज तुम्ही मासे सोडू नका अहो तुम्ही मासे सोडले तर आजी सोडतील आणि आजीने सोडले तर बनवणार कोण काय गो तू माका काय चैपाकीन समजतस अग आई सरे तू उगीच हे सोडीन ते सोडीन करून माका उगीच संताप आणू नकोस हा सांगून ठेवतय मी तू आज माका मासे सोड सांगशील उद्या माका मालवण्यात नेऊन सोड अग आई तू काय एवढी चिडतेस मग काय तर आता तू मासे सोड मी मासे सोडणार मग जावई बापू पण सोडतील तेवढी चर्चा करायची काही गरज नाही माशांवर आपल्याला बरीच कामं पडली आहेत आणि रात्री हरताल की आरतीला जायचंय की नाही अगो ते उगाच विषय मासे खाल्ले ते चांगले तळून मासे बस भी करो ना गौरी जी एक ही चीज के बारे में बार बार सोच रही हो वो बात बदल तो नहीं जाएगी हाँ पर अम्मा जिनसे आशा वागना मकसद कारण तो करो देना माला गौरी जी अम्मा को ना कोई शक नहीं आपके ऊपर ये आपका वहम है सिर्फ वहम वगैरह कहीं नहीं है तना शंका है अनि शंका नहीं तना खातरी अनि त्या त्या माझ्याशी असं का वागतं ते जोर कळत नाही ना मला झोप नाही येणार कोशिश तो करो ना गौरी जी एक काम करो आई बाबा से बात करो उनको आपकी याद आ रही होगी आप उनसे बात करेंगी ना अच्छा लगेगा उन्हें वैसे भी गणपति का वक्त है हो मी बोलते त्यांच्याशी पण आता नको आता गणपतीच्या तयारीत गडबडीत असतील ना मी नंतर बोलते ना चलिए
ठीक आहे फिर निघूयात आपण निघूयात एक मिनिट मला जाताना रबडी घ्यायची अम्माजींसाठी लक्षात ठेवा फिर रबडी कसं आहे आपके दिमाग में शिव रबडी मुळेच कळला अम्माजी मला मंदिरात आणि किचन मध्ये जायला का नकार देत आहेत लेकिन गौरीजी प्लीज प्लीज तू मला थांबवू नकोस प्लीज बघ आणि तुम्हाला अडवायचे प्रयत्न करू नकोस माझ्या मनातली शंका जर खरी ठरली ना तर मी अम्माजींना सगळं खरं सांगणार आणि तू मला थांबवणार नाहीस मला मला माझ्या मनावरचं ओझं हलकं करायचं आहे शिव प्लीज